अच्छा चलो, आज हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं एच बी एस्टिमेशन मेथड थ्रू ड्रापकिन सॉल्यूशन। ठीक है, एच बी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपने पेशेंट से ब्लड लेना होगा EDTA ट्यूब में। ठीक है, फिर इसके बाद आप टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो इसी रिएजेंट से। एच बी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर के थ्रू या क्लोरोमीटर के थ्रू, इसके लिए ये रिएजेंट आता है और इसके ऊपर लिखा हुआ है एच बी रिएजेंट या ड्रापकिन्स रिएजेंट या ड्रापकिन सॉल्यूशन। ये करता क्या है, प्रोसीजर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये करता क्या है, इसके अंदर जो है ना स्पेशली होता है साइनाइड्स होते हैं, ठीक है, फेरिसाइनाइड्स होते हैं। इसके अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है, जब हम इसको इस रिएजेंट के साथ मिक्स करेंगे, ब्लड को हम किसके साथ मिक्स करेंगे, ड्रापकिन सॉल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे, तो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन कन्वर्ट करेगा मेट हेमोग्लोबिन में, किसमें, फिर फर्दर साइनाइड अटैच होके सायानो मेट हेमोग्लोबिन में एच बी को कन्वर्ट करेगा, और सायानो मेट हेमोग्लोबिन जो होता है एक खास कलर बनाता है और उसी कलर के बेस पे हमें मशीन रिजल्ट देता है। जितना कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब कलर तेज प्रोड्यूस होगा, तो इतना हेमोग्लोबिन भी ज़्यादा होगा। जितना कलर कम प्रोड्यूस होगा, तो इतना हेमोग्लोबिन भी कम होगा। ये इसका प्रिंसिपल है। प्रोसीजर के बारे में पढ़ते हैं। टेस्ट लगाने के लिए आपके पास जो है ना ये पाइपेट होने चाहिए। आपने करना क्या है, आपने जो है ना 2500 माइक्रोएल, कितना 2500 माइक्रोएल आपने ये ड्रापकिन सॉल्यूशन लेना होगा, 2500 माइक्रोएल और 2.5 ml, क्योंकि 1 ml में 1000 माइक्रोलीटर आता है ना। तो देखिए, ये 1000 पे हमने सेट किया है, ये हमने लिया है 1000, ट्रेशियम ट्यूब में डाला है, ये 2000, फिर हमने इसको 500 तक लेके आना होगा ताकि 2500 ये पूरे हो जाए। ठीक है, 500, ठीक है, देखिए इसमें बबल्स आ गए, हमने वॉल्यूम पूरा लेना है। ये 2500 माइक्रोएल हमने क्या लिया, एच बी सॉल्यूशन या ड्रापकिन सॉल्यूशन या ड्रापकिन रिएजेंट। ठीक है, अब इसके साथ थोड़ा सा टिश्यू पेपर दे दे आसिफ साहब प्लीज। अब हमने करना क्या है, अब हमने पेशेंट से जो ब्लड लिया था, इससे हमने 10 माइक्रोएल लेना है, कितना 10 माइक्रोएल हमने इससे लेना है, और इसको हमने मिक्स करना है एच बी रिएजेंट के साथ। ठीक है, तो अब देखिए आप इसको थोड़ा सा शेक करें ताकि ब्लड प्रॉपरली मिक्स हो जाए, और ये एसी भी एंटीकोगुलेंट ट्यूब है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 10 माइक्रोवेल जो है ना हमने ब्लड सैंपल लेना है, EDTA ब्लड सैंपल। ठीक है, हम देखिए अब 10 माइक्रोवेल हमने लिया है, लेकिन इसका जो आउटर सरफेस है येलो टिप का, इसके ऊपर भी ब्लड मौजूद है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट इसमें मिक्स कर देते हो तो आपको आपका एच बी रिजल्ट एबनॉर्मल आएगा। क्यों एबनॉर्मल आएगा, क्योंकि ये बाहर से भी गंदा है। तो आपने क्या करना होगा, आपने इसको बाहर से इस तरह साफ करना होगा। बात की समझ आ रही। अब साफ करने के बाद आपने जो है ना इसको ड्रापकिन सॉल्यूशन में मिक्स करना होगा। अब मिक्स करने के बाद जो है ना हम क्या करेंगे, इसको रूम टेम्परेचर पे 5 मिनट्स के लिए हम रखेंगे। कितने टाइम के लिए, 5 मिनट्स के लिए हम इसको रखेंगे, ताकि ये हेमोग्लोबिन ऑक्सी में कन्वर्ट, ऑक्सी हेमोग्लोबिन मेट हेमोग्लोबिन एंसाइनमेट हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाए, तब हमें ये मशीन रिजल्ट देगा। मशीन किस बेस पर रिजल्ट देता है, कलर बेस पे, बियर लंबर ला के थ्रू ये काम करता है। ठीक है, कलर इंटेंसिटी पे ये रिजल्ट हमें देता है। जितना कलर ज़्यादा होगा हेमोग्लोबिन भी ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। कलर कम होगा हेमोग्लोबिन भी कम होगा। अब 5 मिनट इसमें लग जाते हैं, तो हमने मशीन को प्रिपेयर करना है। 5 मिनट के लिए हमने रखा था इसको रूम टेम्परेचर पे। किस टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। 5 मिनट गुजरने के बाद हमने इसको मशीन को देना होगा। किसको देना होगा, मशीन को। अब देखिए इसको अब थोड़ा शेक भी करें तो अच्छी बात होगी। मशीन को आप ये दें, अब बटन प्रेस करके ये खुद रिएजेंट सक कर लेगा। ये स्टॉप हुआ, अब आप देखिए टाइम स्टार्ट हुआ है, ये अभी आपको रिजल्ट देगा। रीडिंग एच बी कितनी, 11.7, ये हेमोग्लोबिन है। कितना
11.7 ये हीमोग्लोबिन है। तो ये जो है ना ये मैनुअल मेथड है किस चीज़ का, हीमोग्लोबिन एस्टीमेशन का। इसकी समझ आ गई? यस सर। कोई क्वेश्चन है? नो सर। चलो ठीक है, थैंक यू।